हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल वन स्टॉप 24 अपना रसोई। आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्ची का अचार, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने मिर्ची को अच्छे से धो लिया है और इसका पानी पूरी तरह से सुखा लिया है। आप भी ऐसा ही करें या कॉटन के कपड़े में सुखा। मिर्ची को बीच से कट कर लीजिए। तो आइए प्रोसेस आगे का शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है गैस पे, गैस ऑन है, कढ़ाई गर्म हो गई। तो इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, इससे क्या है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद इसमें कटी हुई मिर्ची डाल दीजिए, इसको थोड़ा चला दीजिए आप ताकि तेल पूरी तरह से मिक्स हो जाए। और बिल्कुल धीमी आँच पर पकाइए इस अचार को, क्योंकि मिर्ची जल्दी से जल जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें मिर्ची बस पका हुआ चाहिए, बाकी जो इसकी ग्रीननेस है वो भी दिखे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी मिर्ची पक गई है, तो इसको अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि हमारी मिर्ची अच्छे से पक जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। तो आइए अब मसाले डालते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ, मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 चम्मच, उसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा है। इसमें नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, क्योंकि अगर कम मिर्ची है तो कम डालें, ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच यूज़ किया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ किया है। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। अभी मसालों को थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया, क्योंकि हमारा अचार रेडी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू, पूरा 1 नींबू डाल रही हूँ मैं। तो आप भी ऐसे करें ताकि इसमें जो टेस्ट है खट्टा खट्टा सा भी हो जाए थोड़ा। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। नींबू का रस जो चौड़ा है उसे भी अच्छे से मिला लीजिए आप इसमें। अब हमारा अचार बन के रेडी है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए कितना चटपटा अचार बना है। इसको आप स्नैक्स के साथ खाइए, समोसा, वड़ा पाव या पराठे, जैसे भी आप पसंद करते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।